नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2015 का सवाल है इट सेज टू स्टोन्स ऑफ एंड टू एम आर वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स द हैवीएस्ट स्टोन अ रेडियस ऑफ आर बाय टू एंड लाइटर स्टोन इन अ रेडियस ऑफ आर टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज एन टाइम दैट ऑफ वैल्यू ऑफ हैवी स्टोन वेन दे एक्सपीरियंस द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स हमें बताना है एन की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन है वन टू थ्री या फोर हालांकि right? uh, इसमें हमें जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होएगा सर्कुलर मोशन प्लस ये अपना एन uh, एल का सवाल दोनों का मिक्स सवाल है सिंपल uh, सवाल है सवाल ये है कि एक तो पार्टिकल है जिसका मास 2m है उसको हम रोटेट कर रहे हैं हॉजोंटल सर्कल में रेडियस आर बाय टू में मास इसका टू एम है दूसरा एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और इस पार्टिकल का मास एम है हमें ये बताना है कि दोनों की वेलोसिटी जो है इस वाले की वेलोसिटी मान लीजिए वी है और इस वाले की वेलोसिटी एन टाइम्स वी है हमें यह बताना है कि अगर ये केस है तो उस वाले केस में और दोनों का हमें सेंट्रीपिटल फोर्स सेम दिया हुआ है तो उस वाले केस में एन की वैल्यू क्या होगी और सिंपल सवाल है यहाँ पे हम दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेट कर देंगे तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होएगा वो होएगा एम वी स्क्वायर बाय आर अच्छा सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लेते हैं वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर सो इस वाले का सेंट्रीपिटल फोर्स होएगा टू एम मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बाय टू और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके वाले के सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है सो so इसका मास है एम मल्टीप्लाइड बाय एन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर तो अगर इस पर वो करेंगे तो आर विल गेट कैंसल एम कैंसल हो जाएगा ये टू ऊपर चला जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू फोर वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है विच एम्प्लायज़ एल स्क्वायर एन स्क्वायर विल बी फोर विच एम्प्लायज़ एन विल बी इक्वल टू टू सो एन की वैल्यू इस केस में टू होएगी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर